वेलकम। तुम कहाँ रह गई थी? कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं हो गया? हाँ बस ऐसे ही। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? अभी तक नहीं। वैसे तुम काफी थकी हुई लग रही हो। नहीं मैं थकी हुई नहीं हूँ। अच्छा क्या तुम्हें तुम्हारी गलती मिल गई? हाँ मैंने स्केलिंग तो पूरी चेक कर ली है पर अभी भी कोई चीज मुझे परेशान कर रही है। समझ नहीं आ रहा क्या। शायद तुम्हें रियान तारून द फ्यूचर आर्किटेक्ट से सलाह की जरूरत है। वैसे अच्छा आइडिया। अगर उसे ठीक लगा तो क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ बताओ क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। ये साइड बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लगता है यहाँ एक विंडो होनी चाहिए, इससे कमरे के अंदर ज्यादा सनलाइट आ पाएगी और इससे ये ज्यादा अच्छा भी दिखेगा, है ना? हाँ ये एक एस्थेटिक चेंज है पर हाँ तुम सही कह रही हो। मैंने तुम्हारे लिए हर्बल टी बनाई है। मुझे लगा ये कॉफी है। तुम्हें चाहिए तो मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं ये अच्छी है। थैंक यू सो मच। जब से मिसेस जावेदान बाहर गई है मैंने कॉफी बनाना बंद ही कर दिया है और ये मैंशन भी कितना शांत है। सच में बहुत शांति है। चलिए छोड़िए, जल्दी से इस घर में हमारे बच्चे की आवाज गूंजने लगेगी, वो बहुत सारा शोर करेगा। पर मैं आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने उसकी शिकायत की या कहा कि हमारा सिर दर्द हो रहा है या ऐसा कुछ भी कहा तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है ना? जफर का कॉल है, मैं वॉकिंग रूम में जाता हूं। हेलो जफर। रेहान मेरी बच्ची, सुनो ये बोझ अकेले उठाना आसान नहीं है बेटा। एमिर से बात करो, उसे इस बारे में बताओ। दर्द बांटने से कम होता है। मुझे दिख रहा है कि तुम किस तरह खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो। मैं उसे नहीं बता सकती, मैं उसे बिल्कुल नहीं बता सकती। अगर हेमेर को इस बारे में पता चलेगा तो वो आप मेरी चिंता मत कीजिए, ठीक है? मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वैसे भी अब टेस्ट रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं। अगर मैंने एमिर को अभी इस बारे में
बता दिया तो वो बिना किसी कारण दुखी होगा। राजकुमारी चलो मीट बॉल खा लो, चलो जल्दी करो, खा लो खा लो। मेरी राजकुमारी तुमने अपनी आंखें नीचे क्यों कर रखी है, चलो ऊपर देखो 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 मैंने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, खा लो। मसल प्लीज कुछ खा लो मेरे लिए। दुखी मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन कीजिए पेलिन ठीक करेगी। मुझे माफ करना, ना तुम्हारी पेलिन ना सेलिन, उनमें से कोई भी मेरी गुड़िया से बात नहीं करवा पाएगा। इस चीज से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। बस कीजिए सेरी है। मैं क्या कर सकती हूँ, यही सच्चाई है, मेरी गुड़िया की दवा बस नारिन है। सेरिये मैंने उसे यहाँ आने से नहीं रोका है, मैंने उसे आने के लिए कहा था ना, आप क्या चाहती है मैं उसे जबरदस्ती लेकर आऊँ। मुझे जो कहना था कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी है बस। भाई ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, सेरिये कभी कभी बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाती है भाई। ठीक है मैं चुप हो जाती। विनती करती हूँ तुम आ जाओ नारिन, मसल कुछ नहीं खा रही है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है कि वो बीमार ना पड़ जाए। क्या उसने कुछ नहीं खाया है? नहीं मेरी बच्ची, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उसे कुछ नहीं खिला पाई, बस वो दुखी होकर चुपचाप बैठी है। मैंने कॉल करके पूछा था कि मैं आ सकती हूँ घर। मुझे पता है उसने कहा कि तुम्हारी मर्जी है ना? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, अगर वो कह देता कि आ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहता ना सहरी। मेरी बच्ची तुम भी उसके जितनी ही जिद्दी हो, उसने तुमसे कुछ बुरा तो नहीं कहा ना, यहाँ तक कि उसने कहा कि तुम यहाँ आ सकती हो और क्या उम्मीद कर सकती हो, तुम उसे ठीक से समझ नहीं पा रही हो। सच में सहरिये तुम्हारी मर्जी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है मैं नहीं चाहता तुम आओ, पर तुम्हारी मर्जी है तो बेशर्मों की तरह तुम आ सकती हो। मैं तुम्हारा स्वाभिमान तोड़ देना चाहती हूँ, जला देना चाहती हूँ, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, तुम दोनों ही बहुत बुरे हो, तुम्हारा स्वाभिमान ही तुम्हारा रिश्ता है। देखिए सहरिये ऐसा मत कहिए। तो मुझे क्या कहना चाहिए, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम मसल के बारे में नहीं सोच रही और तुम केमाल को भी खो रही हो, बहुत अच्छे बेटा। तुम बहुत अच्छा कर रही हो, आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। गुड इवनिंग, ऊपर वाला रक्षा करे। क्या मसल ने खाना खा लिया? नहीं उसने खाना नहीं खाया। क्या मैं आ सकती हूँ? इस बार मैं दोबारा वही गलती नहीं करूंगी। मैं आ रही हूँ।
देखते हैं क्या रिप्लाई करता है। ठीक है, क्या बात है भाई? सीरिये गेस्ट रूम तैयार कीजिए। वो नारिन, हाँ बिल्कुल, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। शुक्र है ऊपर वाले का। हे ऊपर वाले, तू कमाल है। क्या हुआ सेरिये? क्या बात है सेरिये? आखिरकार मेरी बच्ची घर आ रही है, वो यहाँ रहने वाली है। क्या, तो फिर डांस करते हैं, चलो। तुम्हारी घुंघराले बाल वाली बेटी आ रही है सेरिये, क्या हम हमारी शादी में भी ऐसे डांस करेंगे? मिस्टर हेजेन, जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगी, समझे? पर मैंने गलत क्या कहा? शादी के बारे में भूल जाओ, मैंने बस अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटी थी। अगर मेरे पास 1000 दिन भी होते तो उनमें से एक भी मैं तुम्हें नहीं देती। देखो सहरिये, मेरा दिल मत तोड़ो। हाँ, ऐसी बातें मत करो तुम। अच्छा अच्छा, तुम्हारा एक पैर कब्र में है, तुम मौत के मुहाने पर खड़े हो और अभी भी? तौबा तौबा। सहरिये, ऐसा मत सोचो मेरे बारे में, मैं बहुत से जवान लोगों से भी ज्यादा जवान हूँ, जो तुम्हें नहीं पता है। अपने बारे में सोचना छोड़ो और केमाल और नारिन के बारे में सोचो, बस उनके रिश्ते फिर से अच्छे हो जाए ये सोचो, अपने बारे में सोचना छोड़ दो। तुमसे तो बात करना ही नामुमकिन है। तो फिर बात मत करो, जाओ। ये बहुत गरम दिमाग की है, हमेशा मुझ पर तो गुस्से में ही रहती है, हमेशा गुस्से में रहती है मुझ पर वो। तो फिर आप उन्हें ठंडा कर दीजिए। तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं एक न एक दिन उसका दिल जीत कर ही रहूंगा। केमल और नारीन के बीच सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, और फिर सहरिये से शादी करूंगा। उसके बाद वो हाँ कहेगी, पर अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कोई सुधार नहीं कर पाऊंगा मैं। मुझे उनके आसपास ही रहना होगा और दोनों में सुलह करवानी होगी। तो क्या प्लान बर्बाद हो गया? नहीं, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, पर नहीं जानता कि केमाल मानेगा या नहीं। क्या मानेंगे? एक बात बताओ, क्या तुम्हारे कमरे में कोई भी एक्स्ट्रा बेड है क्या, बताओ? हाँ है। बहुत अच्छे, तुम्हें एक नया रूममेट मिलने वाला है, तुम बहुत लकी हो, समझे? तुम खुशकिस्मती से ही ऐसे रूममेट्स मिलते हैं। जा भी नहीं सकती, वो दरवाजा लॉक करके गया है। मुझे यकीन है वो आकर मुझे जरूर मारेगा। मैं ये सोच क्यों नहीं पाई? मुझे भाग जाना चाहिए, जब उसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया है तो वो पागल हो जाएगा और वो मुझे मार सकता है।
वो मुझे जरूर मारेगा। मुझे यहाँ से भागना होगा, यहाँ से जाना होगा। चलो खुल जाओ, चलो। उसने ये लॉक क्यों किया है? क्या करूं? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? मसल बेटा, तुमने खाना तो खा ही लिया है, चलो अब हम ड्राइंग बनाते हैं। तो तुम क्या बनाना पसंद करोगी? ठीक है, मुझे मत बताओ, इसे सरप्राइज रखते हैं। चलो अब शुरू करो। मैंने पहचान लिया। ये कौन है? अच्छा, ये तो मैं हूं। उसके पास मेरी तस्वीर बना रही है, क्या इसका गुस्सा चला गया? ये समझना तो बहुत आसान है, अगर इसके हाथ में कैमांचा है तो ये ही हिज़र भाई है। वेलकम। बेटा, तुम ड्राइंग बना रही हो तो फिर तुम ये बनाना जारी रखो। मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं सोने जा रहा हूं। सेरिये ने गेस्ट रूम तैयार कर दिया है। सोने का वक्त हो गया है, बाकी ड्राइंग हम कल बनाएंगे। बहुत ही अच्छा किया, मुझे खुशी हो रही है।
मेरा मतलब तुमने उस जावेदान के साथ बहुत अच्छा खेल खेला है। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं? चलो सच बताओ। तुम उसके बारे में मत सोचो, ये तो साफ पता चल रहा है कि तुमने काफी अच्छा प्लान बनाया था, है ना? इस चाल के लिए। क्या तुमने उसे बाहर निकाल दिया? तुमने उसे बर्बाद कर दिया है, पर चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया है। क्या तुमने उसे कुछ नहीं बताया? मैंने उसे कुछ नहीं बताया, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई चीज की मुझसे बिना पूछे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, समझ गए ना तुम? याद रखना, क्या बोलती हो? चिंता मत करो। कहाँ जा रही हो? रुको। देखो ये जावेदान का तोहफा है, देखा तुमने कितने सारे पैसे हैं। तुम वैसे तो बिल्कुल पागल और मुंहफट लड़की हो, बुरे काम करने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छे। जावेदान के बारे में बताओ, जब वो तुम्हें मिली किस हालत में थी? वो तो जिंदा थी, पर वो उस हालत में अपना घर भी ढूंढ नहीं पाएगी। मेरे पैर। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा इन्हें पहनकर। क्या करूं? अभी गंदगी में बैठने वाली थी। अगर गलती से इस पर बैठ जाती तो। ये लोग भी कितने गंदे होते हैं, गंदी करके रखी है जगह। ये ऊपर वाले, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, पर कैसे जाऊंगी मैं? सुनिए, एक्सक्यूज मी, दरअसल मैं रास्ता भटक गई हूँ और मेरे पास फोन भी नहीं है। क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं प्लीज? तुम्हारी मदद करने के लिए समय नहीं है मेरे पास। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैम, दूर रहिए प्लीज। सुनिए, सुनो ना बेटा, बुरा हो तुम्हारा, कोई मदद ही नहीं करना चाहता। जावेदा
पता नहीं क्या होगा। ओ जावेदार, ठीक हूँ, ठीक है, हम दोनों ठीक हैं। बेटा क्या तुम जा रहे हो? मैं ताजी को उठा देती हूँ। नहीं सहरिये, मैंने टैक्सी बुला ली है। संभल कर जाना। जैसी तुम्हारी मर्जी। सफर तुम ये ले जाकर कार में रख दो, पर थोड़ा ध्यान से। जी जरूर। थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैंने अपना काम पूरा किया। मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम बाहर जाओ तो मुझे बता देना। मैं जब तुम्हें घर पर नहीं देखता तो मुझे चिंता हो जाती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूं। Have a nice day, man. Thank you. बाद में मिलते हैं।
बहुत प्यारा घर है ये, बिल्कुल मेरे जैसे के लायक। अब हम पड़ोसी बन गए सहरिए, तुम चाहो तब कॉफी पीने मेरे यहाँ आ सकती हो। ये काफी नहीं था जो काम कर रहे हो यहाँ, अब तुम यहाँ रहने भी आ गए। तो इसमें गलत क्या है, अब हम इतने करीब आ चुके हैं कि करीब ऐसा सोचना भी मत, भूल जाओ। ऊपर वाला मुझे सब्र दे। सुनो सहरिए, अगर तुम परेशान हो रही हो कि लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे तो चिंता मत करो, केमाल ने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दी है, मैंने उससे परमिशन ले ली है, अगर कोई कुछ कहेगा भी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। हाँ भूल जाओ, भूल जाओ शादी के बारे में, भूल जाओ। क्या यहाँ आसपास तुम्हारा सर फोड़ने के लिए डंडा नहीं है? ए, वहीं रुक जाओ। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, पर तुम बातों से मुझ पर वार कर सकती हो, मैं वो सब झेल लूंगा। तुम मेरी बेइज्जती करती हो तो ऐसा लगता है कि गाना गा रही हो, गाना। हे ऊपर वाले, मुझे सब्र दे। मुझसे पूछोगी नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे गुस्सा दिलाने के लिए और किस लिए? तुम गलत हो यहाँ पर, तुमने मुझे बताया था कि किस तरह केमाल और नारीन को एक साथ ला सकते हैं, याद है या भूल गई? हा? जैसे कि कल रात अगर मैं होता तो नारीन को नहीं जाने देता, वो अभी गेस्ट रूम में सो रही होती। हाँ, और शायद मसल बेटी भी उसके साथ सो रही होती। हाँ। जैसे कि तुम उसे मना ही लेते। मुझे कोई और बात बताओ, झूठ मत बोलो। चलो छोड़ो, मैं बिना समय गमाए अपना प्लान शुरू करता हूँ। अब घर जाकर सबके लिए अंडे उबालो, पर उन्हें ज्यादा कड़क मत करना, समझी तुम? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बहुत बढ़िया, सबसे पहले हमें केमाल और नारीन के बीच चीजों को ठीक करना होगा, ताकि केमाल ज्यादा नर्वस ना हो और फिर से चीजें पहले जैसी ठीक हो जाए दोनों के बीच में। प्लान बहुत अच्छा है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, उनकी शादी के बाद हमारी शादी की बारी आएगी। हे ऊपर वाले, मेरे हाथों कुछ गलत ना हो जाए। रिजल्ट का इंतजार कर रही हो, है ना? हाँ, मैंने सोचा हॉस्पिटल में कॉल कर लूं, पर अभी बहुत जल्दी होगा। थोड़ी देर इंतजार करो, रिजल्ट अब तक सामने नहीं आया होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि समय रुक गया है मैली के। क्या किचन में कोई काम नहीं है जो मैं कर सकती हूँ? इससे मैं बिजी रहूंगी। चलो, मैं जैनब के लिए केक बनाने वाली हूँ, सेब डालकर। चलो एक साथ बनाते हैं। डॉक्टर सेवदा का कॉल, उम्मीद है अच्छी खबर होगी। हेलो हेलो, मिस सेवदा, मैं अभी की कॉल का इंतजार कर रही थी। हाँ जरूर, मैं इंतजार करूंगी, आप कभी भी आ सकती हैं। क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो घर आना चाहती हैं, घर पर ही बात करेंगी। अब जब एमिर घर पर नहीं है तो मैंने कहा कि यहाँ घर आ जाइए, वो वापस आएगा तो मैं उसे ही अच्छी खबर सुना दूंगी, मैं उसे पूरी बात बताऊंगी। हे ऊपर वाले, वो यहाँ क्यों आना चाहती है? उन्हें समझ आ गया है कि उन्होंने गलती की है मेरी, के शायद वो माफी मांगने आ रही है। वैसे भी वो रिजल्ट लेकर आ रही है, नहीं तो वो प्रोफेसर को लेकर नहीं आती, है ना? उम्मीद तो यही है बेटी। अब जब वो यहाँ आ रही है तो इसका मतलब है ऊपर वाले हमारी मदद करना। क्या बात है हिजर भाई? आओ बेटी, मेरे पास मैसल के लिए एक बहुत बढ़िया प्लान है, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सहरिए एक अंडा दो। ये लो। सहरिए चम्मच, सहरिए प्लेट, ठीक है।
सब ठीक है। सरिये पेन दो। ये लो। नाम है टेमेल। तुम्हें ब्रेकफास्ट के समय यही करना है और कैमल को भी समझा देना। तुम देखना वो बहुत खुश हो जाएगी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैं लिख के देता हूँ। अरे रे रे, मेरी गुड़िया को ये सब बहुत पसंद आएगा। आपको ऐसा लगता है? हाँ हाँ, यकीनन बिल्कुल। चलो लिविंग रूम में चलते हैं और अंडे साथ में लेना मत भूलना बिल्कुल भी। चलो। हाँ हाँ, मैं करती हूँ। ले जाओ। तुम देखना वो दोनों एक दूसरे से दोबारा प्यार करने लगेंगे और हमारी राजकुमारी भी अपने पिता से खुश हो जाएगी। इंशाल्लाह। सेरिये, हमें भी हमारे बीच प्यार का बल्ब जला लेना चाहिए। इस लाइट के करंट से तुम जल ना जाओ। वेलकम। हेलो। हेलो। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज अंदर आइए। थैंक यू सो मच। शुक्र है इमर दोपहर तक घर वापस नहीं आएगा। हाँ जफर, मैंने सब कुछ रीचेक कर लिया और ड्राइंग तुम्हारे कमरे में। ठीक है, मुझे लगा कि हम मीटिंग के बारे में बात कर लेंगे, पर योंजा ने कहा कि तुम चले गए हो। मैं पूरी रात प्रोजेक्ट में बिजी रहा और मैं सो नहीं पाया, तो मैं अभी घर जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा आराम चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम आराम करो, हम मीटिंग के बाद में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। ओके, मिलते हैं ब्रो। मसल बेटा, देखो मैं क्या करती हूँ। बिना तोड़े इसे पूरी तरह खा लेना, फिर मैं एक सरप्राइज दूंगी। ठीक है, आ करो। ओ, मैं भी सोच रही हूं कि क्या होगा। वेल पेलिन, तुम अपने बारे में बताओ। तुमने कहा था तुमने एजुकेशन फ्रांस से की है। हाँ, मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री के लिए वहाँ गई थी। आई एम श्योर तुम काफी ऑनेस्ट स्टूडेंट रही होगी। हाँ, थोड़ी सी। तुम वहाँ से डिग्री लेकर ग्रेजुएट हुई थी ना? बहुत अच्छा भाई, आपने सुना? तुम वैसे कौन से शहर में रहती थी? पेरिस में। बहुत अच्छा है, मैं पिछले 5 साल से नहीं गई हूँ। मैं हमेशा सोचती थी मुझे जाना है, पर क्यों, कैसा लगा मसल? बहुत टेस्टी है ना? अब तुम्हें मेरा सरप्राइज पता चलेगा। हाँ,
अब मैं इसकी पलके भी बना देती हूँ। चलो अब डैडी का एग लो और उसका पपेट बनाओ, उस पर चेहरा बना देना, ठीक है? ये लो मेरी बच्ची।